जुए का खेल रचा जाता है। ये बताया पांडव दल की तरफ से धर्मराज युधिष्ठिर पासे डालते हैं और कौरव दल की तरफ से मामा शकुनी पासे डालते हैं। खेल थे कपटी शकुनी चौपट दरबार में बिछी। धर्मपुत्र ने धोखा खाया करा शकुनी ने मन का चाहा, ईसा जुए का खेल रचाया जिसकी धूम जगत में मिची। वह इकट्ठे हो रहे थे अन्यायी उन्हें मिलकर दगा कमाई, थे चाचा ताऊ के भाई पर आपस में करड़ी खींची। कह लक्ष्मी चंदे जोर ये कल्प छुरा दिया टेक पांडवों के गल पे, पापी दुर्योधन के दिल पे शाही पाप रूप की रचगी व चौपड़ दरबार में बिछी। अब उस सुए के खेल में एक एक करके पांडव लोग अपना सब कुछ हार जाते हैं। आखिर में मामा शकुनी ने कहा कि भाई युधिष्ठिर तेरे पास एक अनमोल चीज है, तू उसको दाव पर लगा दे, यदि ये दाव तू जीत्या तो जो हमने तेरा जीता तेरा वापस दे देंगे, नवा चीज हमारी होगी। युधिष्ठिर कहने लगे कि मामा मामा हमारे पास में बच्चा है कैसे है, क्या आप पांचों भाइयों की रानी वो पंचाली वो द्रौपदी बची है। जब द्रौपदी का नाम लिया वो भीमबली गदा उठा के एकदम तड़तड़ा कर पड़ा। युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ लिया, लवैत तकाजा मतरा माने आज इनका टाइम है, तेरे को टाइम दिया जाएगा, इस गदा को घुमाने का प्राज नहीं। मामा शकुनी के दुर्योधन की बातों में आ जाता है युधिष्ठिर और अंत में द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पासे डाले तो आए काने तीन, मामा शकुनी ने पासे डाले तो आए पो बारा। द्रौपदी को हार दिया जाता है। अब वो दुर्योधन प्रतिगामी दूत को बुलाता है, दास आदेश दिए कि जा रंग महल में और द्रौपदी को बोल दे कि आज से महलों के ठाट छोड़ के तेरे को दासी बनकर रहना होगा। वो दूत वो दुर्योधन का संदेश लेके जब दरबार में से महलों में गया, जाकर द्रौपदी के सामने गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है। द्रौपदी ने सवाल किया कि रे दूत उस सुए के खेल में आज किसकी आरोही किसकी जीत हुई। दूत ने सारी बात बताई और अंत में वो दुर्योधन का आदेश वो फरमान सुना दिया कि महारानी आज से आपको दासी बनकर रहना होगा। दूत की इतनी बार सुनकर द्रौपदी गुस्से में भर के उस दूत को कैसे किस तरह क्या कहती है क्या बताया भला। किसने मैं रहूं किसकी दासी बनके। न कह लगी रे दूत
तेरे को मेरे प्रति आदेश देने वाले को क्या इस बात का ख्याल नहीं कि सौ सौ दास दासी मेरी सेवा में हाजिर रहते हैं और वो मन दासी बनावे। इस बात का अंदाजा नहीं कि मेरे पांच पति ऐसे पराक्रमी हैं, ऐसे सूरवीर हैं कि जिनके पराक्रम से ये पृथ्वी भी कांपे है और वो मन दासी बनावे। कैसे पहले नंबर पर क्या कहती है क्या बताया भूकी टम टम अर्थ पाल की ऊट और हाथी घोड़ा पलटन फौज रसाले मारे ना क्या है चीज का तोड़ा और पांच पति बलवान मेरे अन्ना कोई हुकुम का मोड़ा अरे धर्म पूत करना करिया करे रह हाथ राज का कोड़ा धर्म कोई भी सभा में बोलिया कोना कोई भी सभा में बोलिया कोना धारण मोन हो यारे मैं दास भाव मंजूर करूं इस कर्तव्य कौन हो यारे तू ले के हुक्म उरे न चला तेरा खोटा सोन हो यारे तू सच बतायो हुक्म देनिया मानस जोने हो यारे सच बता लो हुक्म देनिया मानस जोन हो यारे उस गांधारी ने दुर्योधन का नाम सुनया जब करती ख्याल भटे कोरो सारे द्रौपदी सती के जाने हाल भटे संघनी गई मशक्करी करके मर के श्याल भटे अरे मोर यसर पी कणी मणी मारे हीरे लाल भटे रे Yeah.
से दुर्योधन ने किस मुद्दे पे, दुर्योधन ने किस मुद्दे पे अयो मुझको हुक्म दिया मैं दास भाव मंजूर करूं इसा कर्तव्य कौन किया रे। श्री लक्ष्मी चंदन गुरु ज्ञान का प्रभाव कर के प्रेम प्यारे दुनिया में जीना सैदन दशका सदा तक कौन जिया रे। Turn it back.